नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं शिवानी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मधुबनी में हुए नरसंहार के मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद गुरुवार को जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार और संजय सिंह ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ट्विटर बॉय है और राजनीति में हक मार है। आगे क्या कुछ कहा उन दोनों ने प्रेस वार्ता के दौरान आप खुद ही देख लें। राजनीति में सबको जाने का अधिकार है, सामाजिक जीवन में भी जाने का अधिकार है, लेकिन परहेज करना चाहिए। ऐसे मामले में मानवीय संवेदनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब वहाँ नारा लगेगा, ये होगा, ये अच्छी बात है, कहीं से स्वाभिमान नहीं है, लेकिन जब राजनीति में निर्लज्ज लोग आ गए हैं तो क्या करिएगा, उसका उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। पाताल में भी अगर अपराधी रहेगा तो उसको खोज निकाला जाएगा। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ, 118 जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है, उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। वहीं राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने जदयू के आरोपों को सिरे से खारिज किया। क्या कुछ कहा उदय नारायण चौधरी ने आप खुद ही देख लें। देखिए, आरोप जो भी उनको लगाना हो लगा में सत्ताधारी दल के लोग, लेकिन ये बात सत्य है ना कि 5 आदमी की हत्या हुई, कि कोई अस्वीकार करते हैं। ये बात सत्य है ना कि एक ही परिवार का हुआ। ये बात सच है ना कि नरसंहार हुआ, ये एक परिवार। ये बात सच है ना कि पुलिस वहाँ जाने में देर की। तो जब सब बात सही है तो स्वीकार करने में लोगों को शर्माती है, लाज लगता है, चले जाते हैं 15 साल पहले। तो 15 साल पहले जो चले जाते हैं अगर, तो फिर 15 साल से तो यही हैं, अब पीछे कहाँ जा रहे हैं। तो वैसे ही उनको याद दिलाया जाए, फिर सृजन घोटाला इनको याद दिलाया जाए, जो रेप हुआ लड़कियों के साथ मुजफ्फरपुर में इनको याद दिलाया जाए, जो बक्सर में लड़की महिलाओं को पीटा गया इंदिरा आवास मांगने पर। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके इनको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और जो परिस्थिति है वहाँ राहत लोगों को देने का प्रयास करना चाहिए। और जो कुछ किया है तेजस्वी यादव ने, हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव को, ये बहुत मुस्तैदी के साथ अपनी बातों को रखने का काम किया है। तो आपने देखा कि किस तरह नीरज कुमार और संजय सिंह ने मिलकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। धन्यवाद।